बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। इंग्लिश सीखने का बेहतर तरीका यह है कि हम जो है कहानियाँ पढ़ें, और बेहतर यह है कि यूट्यूब में कहानियाँ देखने और सुनने के बजाय क्या है, किताबें ख़रीदनी चाहिए हमें, और किताबों कहानियों की किताब ख़रीदें स्टोरीज़ की, बच्चों के लिए जो बच्चों के लिए लिखी गई हैं, वो बच्चों की स्टोरीज़ की बुक्स और मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ना चाहिए, और इत्मीनान से सुकून से एक जगह बैठ कर पेन कलम लेकर पढ़ना चाहिए, और उसको जो है ना एक से दो मरतबा पढ़ना चाहिए एक कहानी को। और उसमें जो अच्छे अच्छे जो जुमले हैं, अच्छे अच्छे जो सेंटेंसेस हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको लिखना चाहिए और उनको याद कर लेना चाहिए। तो इस तरह करते रहने से कुछ टाइम के बाद जो है ना हमें वो हो जाता है। और फिर जो है ना बातचीत करने के लिए, जैसे इंग्लिश में बातचीत करनी है, तो अगर कोई बातचीत नहीं भी करने वाला है आपके साथ में है, तो उसका बेहतर तरीका ये कि हम पढ़ते रहें और लिखते रहें। किताबों से बात करना चाहिए हमें, हमें किताबों से बात करनी चाहिए। स्टोरीज बुक पढ़ेंगे तो आप जो है ना आप किताब से बात कर रहे होते हैं, और जो है ना कुछ चीज़ें लिखें आप, उन जुमलों को लिखें। तो स्टोरी से इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, मैं जो है ना गाइड करूँगा अभी। देखिए, हमारे सामने एक स्टोरी है, उसको पढ़ने का तरीका, जैसे कि हमारे सामने एक स्टोरी है तो एक कहानी है, तो इसको हम कैसे पढ़ें और इससे इंग्लिश कैसे सीखें, तो मैं जो है ना आपको तरीका बताऊँगा। मैंने इसी अंदाज़ में जो है ना इंग्लिश सीखी है, बहुत बाद में। मेरा तो उर्दू और अरबिक मीडियम से मैंने पढ़ा हुआ है, और बाद में मैंने इंग्लिश सीखी थी बहुत ज़माने के बाद। तो मैंने जैसे इंग्लिश सीखी है, मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आप लोगों को गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो ये देखिएगा, हमारे सामने एक स्टोरी है कि द फूलिश डोंकी, इसको डोंकी कहते हैं, डोंकी। द फूलिश डोंकी, बेवकूफ़ गधा। फूलिश का मतलब फूल, या फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, अहमक। तो बेवकूफ़ गधा, तो देखिएगा एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर गधे का एक गधे की बेवकूफ़ी बताई जाती है इसमें। लेकिन हमें इससे इंग्लिश कैसे सीखते हैं ये देखेंगे हम, कि हम इस स्टोरी को पढ़कर इंग्लिश कैसे सीखें। तो फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, हमारे सामने एक पैराग्राफ ये है, इसको पढ़ते हैं और इस पैराग्राफ से हम क्या सीख सकते हैं, फिर ये दूसरा पैराग्राफ है, इससे क्या सीखेंगे, तीसरे पैराग्राफ से हम कैसे सीखेंगे। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है हमारी। तो ये देखिएगा, हम ये कहते हैं ये कि अ सॉल्ट सेलर, सॉल्ट का मतलब होता है नमक। अ सॉल्ट सेलर यूज़ टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज डोंकी टू द मार्केट एवरी डे। ये कह रहे हैं कि अ सॉल्ट सेलर, नमक बेचने वाला, एक नमक बेचने वाला, सॉल्ट का मतलब नमक, सेलर का मतलब बेचने वाला, सेल करना है ना बेचना। अ सॉल्ट सेलर, एक नमक बेचने वाला, यूज टू कैरी का मतलब होता है वो ले जाया करता था। तो अब जब ये देखेगा, ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, ये जो है ना ये सेंटेंस हम रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज टू कैरी का मतलब ले जाया करता था, एक नमक बेचने वाला ले जाया करता। कैरी का मतलब होता है ले जाना, ठीक है ना। और यूज टू कैरी का मतलब ले जाया करता था, क्या ले जाया करता था, द सॉल्ट बैग, नमक का जो बोरा है या नमक की जो बोरी है उसको ले जाया करता था। ऑन हिज डोंकी, अपने गधे पर लाद कर, ऑन हिज डोंकी, अपने गधे पर लाद कर, कहाँ ले जाया करता था, टू द मार्केट, मार्केट ले जाया करता था। एवरी डे, हर रोज, रोजाना एक नमक बेचने वाला ले जाया करता था नमक का बैग, है ना, अपने डोंकी पर रखकर मार्केट में ले जाया करता था हर दिन। अब ये देखिएगा, यूज टू कैरी को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो आप जो है ना जो भी कहानी पढ़ते हैं आप मैगजीन में या बुक में, तो जो भी देखें कि एक अच्छा सेंटेंस है, तो उसको पेन से या पेंसिल से इस तरह अंडरलाइन कर लिया करें कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके जुमला बनाने की कोशिश करें उसका, है ना। तो ये देखिएगा, मैंने इसका एक जुमला बनाया हुआ है कि आई यूज टू, जैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे यूज टू कैरी, तो इसका मतलब अगर हमें यह बात करनी हो कि आई यूज टू वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल पैदल जाया करता था, तो देखिएगा हमने यूज टू का इस्तेमाल किया है। आई यूज टू वॉक का मतलब मैं पैदल जाया करता था, आई यूज टू वॉक, मैं पैदल जाया करता था, है ना। टू स्कूल, मैं स्कूल पैदल जाया करता था, है ना। और इसी तरह एक जुमला और हमने लिखा यहां पर कि वी यूज टू स्विम इन द रिवर, वी यूज टू स्विम, हम जो है ना वी यूज टू स्विम, हम तैरा करते थे इन द रिवर, नदी में, है ना। तो ये देखिएगा, वी यूज टू स्विम, हम तैरा करते थे, आई यूज टू वॉक, मैं पैदल जाया करता था। तो ये है ना यूज टू का इस्तेमाल हमें समझ में आया, इससे इस तरह इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद है कि ऑन द वे, रास्ते में,
ऑन द वे का मतलब रास्ते में। अब यहां पर देखिएगा ये इसको अंडरलाइन किया हमने, ऑन द वे रास्ते में, ठीक है। अब इन द वे नहीं इस्तेमाल करेंगे हम उर्दू में तो कह रहे हैं कि रास्ते में या रास्ते में जाते हुए, तो यहां पर इन द वे नहीं कहेंगे हम, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑन द वे। तो हम यही गलती करते हैं, जो चीज हम उर्दू में बोलते हैं इंग्लिश में हम वैसे ही लिखते हैं जब शुरू में पढ़ते हैं। तो इस चीज का लिहाज रखना चाहिए कि हम उर्दू में जो चीज बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि इंग्लिश में वैसी हो। तो इंग्लिश में जैसे बोला जाता है वैसा जो है ना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम कहेंगे ऑन द वे, रास्ते में, दे हैड टू क्रॉस, उन लोगों को पार करना पड़ता था। ऑन द वे रास्ते में, दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, वो जो है ना उन्हें पार करना पड़ता था एक नदी, यानी जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार करके उन्हें जो है ना आगे बढ़ना पड़ता था। तो ऑन द वे का मतलब रास्ते में। इसका इस्तेमाल देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है कि आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं। अगर हमें कहना हो कि मैं रास्ते में हूं, जैसे कि आप मार्केट से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तो घर में अगर बताना हो कि मैं रास्ते में हूं, या किसी से कहना हो आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में किसी को कॉल करना है कि मैं रास्ते में हूं अभी, तो आप उसको ऐसे कहेंगे आई एम ऑन द वे, आई एम, ये ऐसे कहेंगे आप, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं, है ना। तो ऐसा कहेंगे, आई एम इन द वे नहीं कहेंगे, ये ऑन द वे कहना होगा आपको, इन ऑन द वे, है ना, इन द वे नहीं, है ना। और अगर एक जुमला और इसी ऑन द वे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स ऑन द वे होम, है ना, प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स ऑन द वे होम, के रास्ते से आते आते जो है ना, हम उर्दू में कहते हैं कि नहीं आते आते जरा जो है ना वो नमक ले आना, आते आते फ्रूट ले आना, आते आते, तो हम उर्दू में जो कह रहे हैं कि आते आते ऐसा कर लेना, तो उसको कहेंगे हम ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब आते आते, प्लीज ब्रिंग सम फ्रूट्स ऑन द वे होम, यानी आते आते जो है ना कुछ फ्रूट ले आना। तो ये ऑन द वे का इस्तेमाल हमने इस तरह सीखेंगे हम। तो जब कोई स्टोरी पढ़े तो जो भी अच्छा सेंटेंस है उसको अंडरलाइन कर ले, इस तरह अंडरलाइन कर लिया करें, और फिर जो है ना उसका एक जुमला जो है ना अपने नोटबुक में, जिस तरह के मैंने जो है ना आपको यहाँ बनाकर दिया हुआ है, ये बना के दिया है, ये बना के दिया है, तो आप इस तरह ये सेंटेंस बनाया करें और उसको इस्तेमाल करें। ये देखिएगा, और जो है ना नेक्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ देखते हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, द डोंकी सडनली टम्बल्ड, द डोंकी सडनली टम्बल्ड, गधा जो है ना फिसल गया। टम्बल का मतलब होता है फिसलना, टम्बल का मतलब क्या होता है, फिसलना। तो वन डे, एक दिन ऐसा हुआ कि द डोंकी सडनली टम्बल्ड डाउन द स्ट्रीम। सडनली का मतलब अचानक, गधा अचानक फिसल गया, उसका पांव फिसल गया, और वो फिसल के कहां गया, टम्बल डाउन द स्ट्रीम, वो फिसल के गिर गया कहां, नदी में, है ना। टम्बल डाउन का मतलब होता है फिसल कर गिर गया, द स्ट्रीम, है ना, डाउन द स्ट्रीम, नदी में फिसल कर गिर गया। एंड द सॉल्ट बैग, एंड द सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल, एंड द सॉल्ट बैग, और जो है ना इस तरह नमक का जो थैला था वो भी, ऑल्सो का मतलब और, ऑल्सो का मतलब भी, एंड द सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इन टू द वॉटर, फेल। ये देखिए इसको भी हमने अंडरलाइन किया है, क्यों अंडरलाइन किया इसको, कि हम जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बातचीत में और अपने राइटिंग में, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि एंड द सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इन टू द वॉटर, और जो नमक का जो बैग था वो भी गिर गया। फेल का मतलब फॉल का मतलब गिरना, उसका सेकंड जो फॉर्म है फॉल का, फेल है, फॉल, फेल, फॉलन, ये देखिएगा वर्ब है, ये फॉल का मतलब होता है गिरना, इसका सेकंड फॉर्म है फेल, और इसका थर्ड फॉर्म आता है फॉलन, तो ये सेकंड फॉर्म है यहां पर, फेल इन टू द वॉटर, पानी में गिर गया, पानी में गिर गया। तो ये देखिएगा फॉल या फेल का इस्तेमाल हम अपने बातचीत में, रोजाना की गुफ्तगु में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि माई फोन फेल इन टू द वॉटर, मेरा फोन पानी में गिर गया। तो देखिएगा यहां पर जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि भाई माई फोन, क्या कहेंगे हम कह सकते हैं कि माई फोन फेल इन टू द वॉटर, मेरा फोन पानी में गिर गया, है ना। तो गिरने को हम कहेंगे फॉल, है ना। जैसे कि हम कहेंगे कि भाई मैं गिर गया, तो हम कहेंगे आई फेल डाउन, आई फेल डाउन। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखी जाती है। तो जरूरी नहीं कि हम कहानियां जो है ना सिर्फ कहानी के लिए पढ़े, कहानी से सीखना चाहिए हमें। तो ये देखिएगा नेक्स्ट क्या है, द सॉल्ट डिजॉल्व्ड, द सॉल्ट डिजॉल्व्ड, नमक जो है ना वो घुल गया। डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना, पानी में नमक घुल जाता है कि नहीं, तो कोई चीज पानी में घुल जाए उसको कहेंगे इंग्लिश में डिजॉल्व होना, डिजॉल्व होना, द सॉल्ट डिजॉल्व,
नमक जो है ना घुल गया, इन द वॉटर, इन द वॉटर, इन द वॉटर, पानी में, पानी में नमक घुल गया। एंड हेंस, और इस तरह, हेंस का मतलब और इस तरह, द बैग बिकेम वेरी लाइट, और जब पानी में नमक गिर गया तो क्या हुआ, द बैग बिकेम वेरी लाइट टू कैरी, और जो है ना जो थैला था उसका, नमक का जो थैला था, नमक का जो थैला था, बिकेम वो हो गया वेरी लाइट टू कैरी, बहुत ही हल्का हो गया वो उठाने में, है ना। तो चूंकि नमक भी, नमक पानी में गिर गया और बैग जो है ना बड़ा हल्का हो गया और उसको ले जाना बड़ा आसान हो गया, तो अब जो है ना क्या हुआ, द डंकी वॉज हैप्पी, द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, या द डोंकी वॉज हैप्पी, और गधा जो है ना बहुत खुश हो गया कि अब चलो इस पर तो बहुत भारी वजन था, अब नमक जो है ना वो चूंकि पिघल गया पानी में, तो अब जो है ना बैग को या थैले को उठाना बहुत आसान हो गया, तो बड़ा खुश हो गया गधा, तो अब उसने एक चाल चली। अब ये देखिएगा आगे, देन द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले, देन देन द डोंकी, द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक, द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले, स्टार्टेड टू प्ले, वो जो है ना उसने जो है ना चाल चलना शुरू की, देन तब द डोंकी, द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक, अब जो, अब क्या हुआ कि गधे ने जो है ना वही चाल चलना शुरू कर दिया, स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है चाल चलना, हम कुछ किसी को कहते हैं ना कि तुम जो है ना मेरे साथ चाल चाले मत चलो, तो उसको कहेंगे इंग्लिश में टू प्ले द ट्रिक, टू प्ले द ट्रिक का मतलब होता है, ट्रिक का मतलब होता है चाल, है ना, और चाल चलना किसी के साथ जो है ना चाल चलना, तो कहेंगे टू प्ले द ट्रिक, है ना। तो द डोंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक, अब गधे ने क्या किया, वो चाल चलने लगा, स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक, वही चाल चलने लगा एवरी डे, हर रोज, अब रोजाना क्या करता वो गधा, यही चाल चलने लगा। पहले दिन तो वो धोखे से गिर गया था, लेकिन उसको पता चला कि पानी में गिरने से जो है ना बोझ कम हो जाता है, तो अब वो जो है ना वही ट्रिक चलने लगा, रोजाना जो है ना जाता नदी के पास पहुंचता और वो जो है ना फिसल जाता जानबूझ के, ताकि जो है ना उसका बोझ कम हो जाए। तो अब आगे देखिए क्या होता है, द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, अब क्या हुआ, नमक बेचने वाला, द सॉल्ट सेलर, नमक बेचने वाला, केम टू अंडरस्टैंड, केम टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है उसके बाद उसकी ये बात समझ में आ गई, है ना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना, है ना। तो द सॉल्ट सेलर, आई केम टू अंडरस्टैंड कहेंगे मेरी समझ में आ गया, है ना, तो द सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड, है ना, नमक बेचने वाले को ये बात समझ में आ गई, है ना, उसको ये समझ में आ गई, द ट्रिक, वो जो ट्रिक थी उसकी जो चाल थी उसको समझ में आ गई कि अच्छा ये जो ना ये चाल चल रहा है अब, एंड और डिसाइडेड टू टीच, एंड डिसाइडेड टू टीच, अब नमक बेचने वाले ने फैसला किया, डिसाइड करना का मतलब किसी चीज का फैसला करना, है ना, तो कह रहे हैं कि एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू इट, अब जो है ना नमक बेचने वाले ने फैसला किया कि गधे को सबक सिखा कर रहूंगा मैं अब, है ना। तो कहेंगे कि भी देखिए इसका मैं, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, डिसाइडेड टू टीच, उसने सिखाने का फैसला किया, स्टार्टेड टू प्ले, इसको भी मैंने जो है ना अंडरलाइन किया है, तो जो भी चीज जुमला अच्छा है उसको अंडरलाइन करना चाहिए और लिखना चाहिए। देखिएगा मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर यह, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ था, ये देखिएगा कि वेरी लाइट टू कैरी, है ना, वेरी लाइट टू कैरी, ले जाना उसका बहुत आसान हो गया जब बैग का, तो इसका इस्तेमाल हम कैसे सीखेंगे, इसका देखिएगा कि आवर हाउस इज इजी टू फाइंड, आवर हाउस इज इजी टू फाइंड, हमारा, हमारे घर को ढूंढना या उसका पता लगाना बहुत आसान है, तो इजी टू फाइंड, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये देखिएगा, तो आवर, ये पैटर्न है कि नहीं, ये पैटर्न पड़ा है कि नहीं, वेरी लाइट टू कैरी, है ना, उसका ले जाना जो है ना वो पानी में उसको ले जाना आसान हो गया, है ना, हल्का हो गया, तो हम कहेंगे ये कि आवर हाउस इज इजी टू फाइंड, हमारा, हमारे घर को ढूंढना बहुत आसान है, और ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, योर नेम इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, आपके नाम को की आवाज निकालना या आपके नाम को प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, अगर हमें किसी से कहना हो कि आपका नाम इतना मुश्किल है कि आपके नाम का तलफ्फुज करना या उसको प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, तो हम उसको यू कहेंगे, योर नेम इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है ना। इसी तरह डिसाइड का मैंने जो है ना स्टार्टेड टू प्ले इसका सेंटेंस हमने बनाया हुआ है कि आई हैव प्रोनाउंस, है ना। इसी तरह एक सेंटेंस हमने बनाया है यहाँ पर
के डिसाइडेड टू टीच, उसने जो है सिखाने का फैसला किया, सॉल्ट सेलर ने एक सबक सिखाने का फैसला किया। तो देखिएगा, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, इसका एक जुमला हम क्या, इस पैटर्न पे हम क्या जुमला बना सकते हैं। तो हम जो चीज पढ़ते हैं कहानियों में, जो सेंटेंस पढ़ते हैं अच्छे अच्छे, उसको अंडरलाइन करके उस पैटर्न पर जो है ना हम दूसरे जुमले बनाने की कोशिश करना चाहिए, या एटलीस्ट वो सेंटेंस या फ्रेज जो है ना नोटबुक में लिख लेना चाहिए। तो देखिएगा, एक सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखने का फैसला कर लिया है, मैंने तय कर लिया है कि मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगा। तो उसको हम इंग्लिश में ऐसे ही कहेंगे, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखने का फैसला कर लिया है, है ना। या फिर I have decided to go abroad for a job, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नौकरी के लिए इंडिया से बाहर जाऊंगा। तो अगर किसी से कहना हो कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इंडिया से बाहर नौकरी करने जाऊंगा, तो हम कैसे कहेंगे, I have decided to go abroad, abroad का मतलब बाहर, मुल्क से बाहर जाना, कंट्री से बाहर जाना। तो उसको हम कहेंगे I have decided to go abroad for a job, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए मैं बाहर जाऊंगा, तो उसका फैसला मैंने कर लिया। तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, तो इसको याद करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस से जब आप अपने नोटबुक में, डायरी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे, तो आप जो है ना डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने ऐसा फैसला कर लिया है, मैंने इंग्लिश सीखने का फैसला कर लिया है, मैंने बाहर जाकर नौकरी करने का फैसला कर लिया, मैंने जो है ना उसके साथ जो है ना मैंने ये करने का फैसला कर लिया है। तो आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, ऐसा कहेंगे हम। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन ही लोडेड अ कॉटन बैग। अब सॉल्ट सेलर ने क्या किया, वो आदमी ने क्या किया, ही लोडेड, उसने लोड किया है ना, उसने ही लोडेड अ कॉटन बैग, उसने कपास का बैग जो है ना लोड किया, यानी गधे की पीठ पर रखा, ऑन द डोंकी, गधे के ऊपर। ये कह रहे हैं कि ही लोडेड अ कॉटन बैग ऑन द डोंकी, उसने क्या किया, एक कॉटन का बैग जो है ना उसने लोड किया, कॉटन का बैग यानी कपास का बैग उसने डाला गधे की पीठ पर। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक। अब क्या हुआ, गधा जिस तरह रोजाना चाल चल रहा था, जो हरकत कर रहा था, आज भी जो है ना उसने वैसी हरकत की। तो कह रहे हैं कि अगेन, दोबारा, इट प्लेड द सेम ट्रिक, गधे ने फिर वही चाल चली, लेकिन आज उसको पता नहीं था कि मेरे पीठ पर जो है ना कपास का बैग है या कॉटन बैग है, उसको पता नहीं था, तो उसने वही जो है ना चाल चली। अगेन इट प्लेड द सेम ट्रिक, होपिंग, होप करना का ना, उम्मीद करना, होपिंग दैट, इस उम्मीद से, द कॉटन बैग वुड बी लाइटर। उसको पता नहीं था ना कि उसके जो है ना पीठ पर कॉटन का बैग है, लेकिन उसने चाल चली कि आज गिरूंगा तो दोबारा जो है ना मेरा बोर जो बैग है वो हल्का हो जाएगा, फिर मुझे जो है ना जल्दी चलने में आसानी होगी, आसानी से चल पाऊंगा मैं। तो होपिंग दैट, इस उम्मीद से वो जो है ना गिर गया, दोबारा उसने वही चाल चली, द कॉटन बैग वुड बी लाइटर, के जो है ना कॉटन का जो बैग है उसकी पीठ पर जो सामान रखा हुआ है, लदा हुआ है, वो है इट वुड बी लाइटर, वो हल्का हो जाएगा दोबारा पानी में गिरने के बाद। तो क्या हुआ, बट द डैम्पन्ड कॉटन का मतलब जो पानी के अंदर जो भीग गया था, जो कॉटन, डैम्प का मतलब होता है पानी के अंदर कोई चीज भीग जाए, उसको डैम्प कहेंगे हम, है ना। तो ये कह रहे हैं कि बट द डैम्पन्ड कॉटन, पानी में जो गिरा हुआ जो कपास था, बिकेम वो हो गया वेरी हेवी, बहुत भारी हो गया वो, है ना। अब बजाय हल्का होने के भारी हो गया वो, है ना, लाइट होने के बजाय हेवी हो गया। तो देखिएगा, दो अल्फाज सीखे हमने इसमें, लाइट का मतलब हल्का और हेवी का मतलब भारी। तो जो है ना इस तरह हम वोकेबुलरी भी सीख सकते हैं इंग्लिश की। तो जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए, उसको नोटबुक में लिख लेना चाहिए कि कोई चीज हल्की हो तो उसको कहेंगे लाइट वेट, कोई चीज भारी हो तो उसको कहेंगे हेवी वेट, है ना। और जो है ना ये देखिएगा फिर, तो बिकेम वेरी, तो द कॉटन बैग, द डैम्पन्ड कॉटन बिकेम वेरी हेवी टू कैरी, वो जो है ना बहुत भारी हो गया और उसको ले जाना मुश्किल हो गया। एंड द डोंकी सफर्ड, एंड द डोंकी सफर्ड, और गधे को अब जो है ना बहुत तकलीफ हुई। सफर का मतलब होता है तकलीफ उठाना, परेशानी उठाना, है ना। सफर कहेंगे कि भी आई सफर्ड ए लॉट, देखिएगा सफर को मैंने अंडरलाइन किया है यहां पर, इसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बहुत इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। सफर का मतलब होता है तकलीफ उठाना, परेशानी उठाना। देखिएगा हम कह सकते हैं इसको कि आई हैव सफर्ड ए लॉट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ उठाई है। तो अगर हमें किसी से कहना हो कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ उठाई, तो हम क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे कि आई हैव सफर्ड
आई हैव सफर्ड ए लॉट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई है पढ़ने के लिए और जो है ना तरक्की करने के लिए, तो सफरिंग बहुत होती है इंग्लिश लाइफ में, है ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सफर या सफरिंग, है ना, तो इसको भी जो है ना हम इसका भी एक सेंटेंस याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक लफ्ज को जो है ना जब हम पढ़ रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उसको याद कर ले, क्योंकि ये बड़ा काम का लफ्ज है ये सफर। सफर का मतलब होता है तकलीफ उठाना, परेशानी उठाना, है ना, सफरिंग का, और किसी को चोट आ जाए उसको भी कहते हैं हम टू सफर द इंजरी, है ना, टू सस्टेन द इंजरी, तो जख्म हो जाए किसी को उसको भी कहते हैं हम। अच्छा, तो अब ये कहा कि भाई गधे को बहुत तकलीफ हुई, अब तो इट लर्नड ए लेसन, इट लर्नड ए लेसन, अब जो है ना गधे ने जो है ना एक सबक सीख लिया, अब आज उसको जो है ना सबक मिल गया कि रोजाना वो जो चाल चल रहा था वो चाल उसके खिलाफ उल्टी पड़ गई। अब तो ये कह रहे हैं कि इट जो है ना, जब देखिएगा जब हम किसी मर्द के लिए कहते हैं तो ही कहते हैं हम, और किसी औरत के लिए कहते हैं तो शी कहते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर हो या कोई पत्थर हो या कोई दरख्त हो, पेड़ पौधा हो, तो उसको इट कहेंगे हम। तो यहां पर चूंकि जानवर है तो हम इट कह रहे हैं, यहां पर ही नहीं कहेंगे हम, गधे के लिए ही नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इट लर्नड ए लेसन, इट लर्नड ए लेसन, गधे ने, गधे को एक सबक मिल गया, गधे को अब जो है ना यहां पर एक सबक मिल गया, उसने सबक सीख लिया, इट लर्नड ए लेसन। अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे सबक मिल गया, तो हम कहेंगे आई हैव लर्नड ए लेसन, आई हैव लर्नड ए लेसन, मैंने जो है ना मुझे सबक मिल गया। कहेंगे कि अगर हम किसी से कहना चाहते हो कि तुमको अब सबक मिल गया ना, तो हम कहेंगे यू हैव लर्नड ए लेसन, यू हैव लर्नड, नाउ यू हैव लर्नड ए लेसन, अब तुमको सबक मिल गया, है ना। तो टू लर्न ए लेसन, इसको भी हम जो है ना, बड़ा अच्छा जुमला है ये, बड़ा अच्छा फ्रेज है ये, तो इसको भी नोटबुक में लिख लें कि भाई टू लर्न ए लेसन का मतलब होता है सबक सीखना, किसी को सबक मिल जाना। तो कहेंगे मुझे सबक मिल गया, अब मुझे सबक मिल गया, तो कहेंगे आई हैव लर्नड ए लेसन, मुझे सबक मिल गया, तुमको सबक मिल गया, यू हैव लर्नड ए लेसन, खालिद को, हामिद को सबक मिल गया, खालिद हैज लर्नड, अब वहां पर हैव नहीं कहेंगे, हैज कहेंगे, खालिद हैज लर्नड ए लेसन या ही हैज लर्नड ए लेसन, उसको सबक मिल गया, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि इट लर्नड ए लेसन, गधे को एक सबक मिल गया, अब तो इट डिडंट प्ले, इट डिडंट प्ले, देखिए कि पास्ट टेंस के साथ में डिड नॉट आता है, डिड नॉट, ये हमने ये सिखाया है, हमने ग्रामर के जो कोर्स चल रहा है हमारा उसके अंदर जो है ना उसको सिखाया है हमने, डू और डज और डिड, ठीक है ना। तो इट डिड नॉट प्ले द ट्रिक एनी मोर, ये कह रहे हैं कि इट यानी गधा, इट जो है ना डोंकी की तरफ जा रहा है, ये जो इट है किसके लिए है, ये याद रखिएगा अच्छी तरह, किसी इंसान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो हम उर्दू में कहते हैं ना, उर्दू या हिंदी में, कि वो, तो किसी इंसान के लिए, किसी मर्द के लिए कहेंगे वो तो कहेंगे ही, और किसी औरत के लिए कहेंगे वो तो कहेंगे शी, और अगर किसी जानवर के लिए या किसी ऑब्जेक्ट या किसी शय के लिए कहेंगे, चीज के लिए, तो कहेंगे इट कहेंगे, अब वहां पर ही और शी नहीं कहेंगे, तो कहेंगे अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इट इस्तेमाल किया है क्योंकि डोंकी के लिए इस्तेमाल हुआ है, गधे के लिए इस्तेमाल हुआ है ये इट जो है। तो इट डिडंट प्ले द ट्रिक एनी मोर, अब ये कह रहे हैं कि गधे ने अब दोबारा जो है ना वो चाल नहीं चली, इट डिडंट प्ले द ट्रिक, उसने जो है ना अब वो चाल चलना जो है ना बंद कर दी, उसने जो है ना चाल नहीं चली, द ट्रिक, डिडंट प्ले द ट्रिक, अब उसने वो चाल नहीं चली एनी मोर, एनी मोर का मतलब अब दोबारा, एनी मोर का नहीं चली। अब ये देखिए एनी मोर जो लफ्ज है बड़ा काम का लफ्ज है ये, हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं इसको, हर रोज जो है ना जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये एनी मोर का इस्तेमाल होता है। जैसे कहेंगे कि भाई मैं जो है ना अब जो है मैं अब बॉम्बे में नहीं रहता हूँ, मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करता हूँ, तो वहां पर एनी मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहेंगे कि आई डोंट लिव, हम अगर कहना हो कि मैं अब बॉम्बे में नहीं रहता हूँ या मैं कराची में नहीं रहता हूँ अब, है ना, तो हम कहेंगे आई डोंट लिव इन मुंबई एनी मोर, हम ऐसा कहेंगे वहां पर, क्या कहेंगे हम, आई डोंट लिव इन मुंबई एनी मोर, आई डोंट लिव इन कराची एनी मोर, कहेंगे कि भी मैं अब उस कंपनी में काम नहीं करता हूँ, आई डोंट वर्क इन दैट कंपनी एनी मोर। तो ये देखिएगा एनी मोर जो है ना बहुत काम का लफ्ज है, इसको याद कीजिएगा, और सारे अल्फाज जो मैंने अंडरलाइन किए इस स्टोरी के अंदर आपको तरीका बता रहा हूं मैं कि जब आप स्टोरी पढ़े तो इत्मीनान से पढ़े, एक एक पैराग्राफ को गौर से पढ़े, उसके अंदर जो अच्छा फ्रेज हो, अच्छा लफ्ज हो, उसको अंडरलाइन कर लें, उसको नोटबुक में लिख लें और उनको इस्तेमाल करें, तो हर स्टोरी से जो है ना कम से कम जो है ना 4 या 5 सेंटेंस जो है ना अच्छे अच्छे जो है ना निकालें और उसको लिख लें और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिएगा एनी मोर, हम कह सकते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू वॉक अबाउट, हम कहेंगे अगर कहना हो एनी मोर का इस्तेमाल देखिएगा, मैंने यहाँ पर सिखाया है कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर, मैं अब उसके बारे में जो है ना अब बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट
एनीमोर। अब उस मौजू पर मैं जो है ना, अब मैं इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं इस मौजू पर या इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर किसी से कहना हो, अगर आपको किसी से कहना हो कि अगर कि मैं इस टॉपिक पर या इस मौजू पर अब बात नहीं करना चाहता, तो आप उसको यूं कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट एनीमोर। अब मैं इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अब मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, है ना। तो हम उसको यूं कहेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर। तो ये देखिएगा एनी मोर का इस्तेमाल कैसे हो गया, है ना। अच्छा, ये कहा कि भी इट डिडंट प्ले द ट्रिक एनी मोर, इट डिडंट प्ले द ट्रिक एनी मोर आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, आफ्टर दैट डे उस दिन के बाद। अब जो है ना, उस दिन के बाद जो है ना, कभी उसने वो चाल चलने की जो है ना उसने हरकत नहीं की। एंड द सेलर वॉज हैप्पी। और वो जो नमक बेचने वाला था, सॉल्ट सेलर था, वो जो है ना फिर खुश हो गया। तो यहाँ ये कहानी जो है ना मॉरल स्टोरी है। एक तो सबक हमें जो है ना इस कहानी से एक सबक ये तो ये मिला, उसको इंग्लिश में कहते हैं मॉरल। किसी स्टोरी से या किसी वाकये से जो सबक मिलता है हमको, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं मॉरल, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम उसको, मॉरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं हम उसको। उर्दू में कहते हैं सबक, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि जो है ना, जैसे गधे को सबक मिला, तो हमें भी जो है ना अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में हमें भी एक सबक मिलता है कि जो है ना हमने किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें जो है ना, हमें किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बार बार उसको बेवकूफ़ बना सके, है ना। तो इंसान बेवकूफ़ नहीं रहता है कि आपकी हरकत को ना समझे। तो इंसान चाहे जिस कंपनी में काम कर रहा हो, या किसी कंपनी में काम कर रहा हो, या किसी के बंदे के पास काम कर रहा हो, या कोई भी हो, तो हम अपनी लाइफ में जो है ना किसी को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। हर इंसान कभी ना कभी जो है ना अपनी हरकत को और हमारी चाल को जो है ना समझ लेता है, और हमें सबक मिल जाता है। सो वी लर्न ए लेसन, है ना, वी हैव लर्न अ मॉरल फ्रॉम दिस स्टोरी। तो बहरहाल ये इंग्लिश सीखने का एक बेहतर तरीका है। वैसे तो जो है ना, मैं इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जो है ना फ्यूचर टेस्ट तक जो है ना मैंने आपको बनाया है, इंशाल्लाह जो है ना अनकरीब इसका वीडियो डालूंगा फ्यूचर नेगेटिव का। आप जो है ना धीरे धीरे ये कंप्लीट कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, इस कोर्स को हम इंशाल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे पूरा, और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमारे इस चैनल से इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए कि जो है ना इत्मीनान से पढ़े इंग्लिश को, और जो है ना अगर आपके साथ कोई इंग्लिश में बात करने वाला ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और जो है ना, ये जो मैंने इस कहानी में जो तरीका बताया है कि जो भी कहानी पढ़ते हैं आप, उस कहानी से अच्छे अच्छे अल्फाज और अच्छे अच्छे सेंटेंस लिखिए और उसको याद कर लीजिए, 5-10 मरतबा या 15-20 मरतबा उसको रट डालिए, है ना। उसको रटने से जो है ना क्या होगा, जब हम बात करते हैं तो हम उसको, वो जो फ्रेज है, रटने से याद हो जाता है हमें। फिर जो है ना जब हम बात करते हैं, तो शुरू में जो है ना 6 महीने 8 महीने 1 साल जो है ना इसी तरह पढ़ेंगे आप, तो 1 साल के बाद जो है ना आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश बात करना आ गया है। आफ्टर अ ईयर इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इंशाल्लाह। आप ये नहीं सोचे कि मेरे साथ कोई बात नहीं करने वाला है। अगर आपके साथ कोई बात ना भी करने वाला हो तो कोई फिक्र की बात नहीं है। आप कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए, तो इंशाल्लाह खुद ब खुद जो है ना 6 महीने या 1 साल के बाद आपको इंग्लिश में बात करना आ जाएगा इंशाल्लाह, खुद ब खुद आपकी जुबान चल पड़ेगी इंशाल्लाह। तो हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, नई स्टोरी के साथ और ग्रामर के नए रूल के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।